बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। नमस्कार भक्तों, प्रिय भक्तों, हम माता लक्ष्मी से जहां धन धान्य की प्राप्ति की बात करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे यहां धन धान्य की प्राप्ति हो, हम पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी से गुहार लगाते हैं, उनका व्रत करते हैं, हमारी संतानें आयुष्मान हो, आयुष्मती हो, इसके लिए हम माता लक्ष्मी से गुहार लगाते हैं। विद्या के लिए, सिद्धि के लिए हम माता लक्ष्मी से गुहार लगाते हैं। लेकिन आज हम जो आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, उस मंत्र के द्वारा आप एक और गुहार माता लक्ष्मी से लगा सकते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी में मान्यता रखते हैं तो आप माता लक्ष्मी से घर प्राप्ति की गुहार भी लगा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं गृह लक्ष्मी से कि वो आपके लिए एक प्यारे से घर की व्यवस्था करे, आपको घर दे। ये गृह लक्ष्मी ही कर सकती हैं, जो माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, और उसके लिए ये बहुत ही प्रभावशाली और कल्याणकारी मंत्र है जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान करके अपने मन में उस घर को बसाकर जैसा आप घर चाहते हैं, खासतौर पर माताएं बहनें इस तरफ ज़्यादा इच्छुक होती हैं कि उनका अपना घर हो, अपना एक मकान हो, छोटा सा ही हो भले ही, लेकिन अपना हो, जैसा वो मकान चाहती हैं, या उनके ऊपर है कि छोटे का विचार मन में रखें या बड़े का रखें। मेरा तो कहना है कि जब आप मांग ही रहे हैं माता लक्ष्मी से तो छोटा क्यों मांगें, आप बड़ा मांगिएगा, बड़े का विचार मन में लाइएगा, शेष माता लक्ष्मी पर छोड़ दीजिएगा कि वो आपको क्या देती हैं। हाँ, इस मंत्र का श्रवण आप अच्छे से कीजिएगा, लगातार कीजिएगा, प्रतिदिन कीजिएगा। मात्र 21 बार सुनेंगे तो भी ये आपका कल्याण करेगी। माता गृह लक्ष्मी जो है वो आपके लिए घर की व्यवस्था अवश्य करेगी। तो माता लक्ष्मी से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इसका श्रवण करते हुए उनसे ये गृह मांगने का प्रयास कीजिए, और फिर देखिए माता लक्ष्मी किस तरह से गृह लक्ष्मी आपको घर प्रदान करती है। बोलिए गृह लक्ष्मी माता की जय। तो सुनिए ये प्रभावशाली मंत्र। ओम वारम श्रेयम वह एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा। ओम वारम श्रेयम वह एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा। ॐ वारं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्मये स्वाहा। ॐ वारं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा। ॐ वारं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा। ॐ वारं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा। ॐ वारं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा। ॐ वारं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृह लक्ष्मये स्वाहा।
ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा।
ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। ॐ वानं श्रियं वः एवं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा। प्रिय भक्तों, यही है वो कल्याणकारी और बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र जो हम आपके लिए शास्त्रों से निकाल कर लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी ही आपके घर की समस्या का समाधान कर सकती हैं। इस मंत्र के सुनने मात्र से जब आप उनसे एक मन में घर का विचार करके उसको देखते हुए कि मुझे ऐसा घर चाहिए माता, मेरा यह स्वप्न पूरा करो माता, और फिर ये
जो मंत्र हम आपको सुना रहे हैं इसे सुनते रहिएगा, माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहिएगा और उस घर का ध्यान करते रहिएगा जो आप चाहते हैं, और फिर देखिए माता लक्ष्मी किस प्रकार से आपके इस घर की इच्छा को पूर्ण करती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।